तो सुबह 7 बजे का ये सीन है। अभी अचानक से फिर से हो गई है बरसात शुरू, और ये देखो जो हमारा मनी प्लांट था ना, वो कैसे कैसे काफ़ी ज़्यादा, मतलब अभी शायद 2 वीक्स ही हुए हैं इसको लिए हुए, और देखो काफ़ी ये बढ़ गया है। और जो ये वाला था, ये वाला ग्रास था, ये भी काफ़ी जो है ना वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, बरसात बढ़ रही है अभी तो अच्छा लग रहा है ये वाला मौसम। और ये वाला जो था ना पाम जो था, इसको एक दिन एक गाय आई थी, वो खा गई थी इसको यहाँ बाहर बाहर से, और वो हमारे हैं पत्ते, अरबी के पत्ते, तो इसको लगाए हुए 1 साल हो गया अभी, 3 पत्ते लगाए थे सिर्फ, और देखो कितना सारा बंच बन चुका है उनका। एक ये जो प्लांट था ना, इसका ये जो ये लीफ है ना, मतलब जब लाए थे तो शायद इसके 5 लीव्स थे, और ये वाला लीफ ना अभी अभी सिर्फ 1 वीक के अंदर अंदर आया ये वाला, तो मैं इसको डेली से देखती थी, और ये पहले ऐसे ऐसे ही स्टार्ट हुआ था, जैसे ये स्टार्ट हो रहा है ना अभी, यहाँ ये भी लीफ ही बनेगा, तो 1 वीक के बाद देखेंगे ये 6th लीफ फिर आ जाएगा। तो ये भी ऐसे स्टार्ट हुआ था, और करते करते देखो ये पूरा 2-4 दिन में ही पूरा बड़ा लीफ बन के तैयार हो गया, और ये वाला भी काफ़ी बढ़ गया, डबल हो गया मतलब साइज से ग्रास जो था। और एक ये था है ना, ये ज़्यादा तो नहीं ग्रो कर रहा लेकिन फिर भी थोड़ा फ्लफी तो हो ही गया है ना, और ये वाइट वाइट अपने आप ही आ जा रहा है, ये मुझे पता नहीं है इसका क्या दिक्कत है। सो ये सब रहा, और वो जो हमारा कड़ी पत्ता है वो तो देखो कैसे बरसात के सीज़न में तो और भी फैला है ना, ये वो वाला पूरा ट्री कड़ी पत्ते का बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल इसके जैसे एक डंडी सी लगाई थी, और कितना बढ़ गया है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, और फिर से सुबह के 7:30 बज गए हैं, फिर से आ गए हैं हम ब्लॉग के साथ। सो सुबह के 7:30 बजे और हम घर में मिले, तो इसका मतलब ये है, किचन में मिले तो इसका मतलब ये है कि आज हमें छुट्टी है। सो बिल्कुल सही पहचाना आपने, आज हमें छुट्टी है, तो आज हमें मुहर्रम की छुट्टी है, और जो है हम घर में ही हैं, सिर्फ आदित्य जाएगा, और पीछे वही रैक रखा है, कपड़े फिर से सूख रहे हैं, फ़ैन लग रखा है, क्योंकि बारिश तो कभी भी जभी भी आ सकती है। सो आदित्य जा रहा, तो उसके लिए मैं अभी पोहा बना रही हूँ, पोहे की तैयारी में, सबका ही पोहे का ही ब्रेकफास्ट आज बन जाएगा जल्दी जल्दी क्विक वाला। ब्रेकफास्ट वगैरह का काम हो गया, तो सोचा ना भगवान जी के कपड़े थे, एक्चुअली ये मेरा संडे का काम था, तो सोचा पहले मैं अभी ब्रेकफास्ट के बाद इन्हीं का काम कर देती हूँ। सो अभी 10 बजे हैं, और मैं और अमूल्या भी आए हैं 2-4 काम की लिस्ट लेकर के, क्योंकि सोचा अभी टाइम है थोड़ा दिन के दौरान, अदरवाइज शाम को ये काम जो ना कई बार जो है वो टाइम नहीं मिलता तो शाम को रह जाते हैं, सो इसलिए मैं और अमूल्य निकले हैं काम से। साढ़े 12 बज गए अभी, और काम करके जो भी 2-4 थे करने वाले, मैं और अमूल्य भी घर वापस आ गए हैं, और जल्दी जल्दी 12:30 से 1:15 तक मुझे फटाफट से भी लंच बनाना है, ठीक है जी। सो सामान मैंने रख लिया है, फटाफट से लंच की तैयारी करते हैं अब। सो फ्रिज में से मैंने निकाला है सामान, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपके फ्रिज में आधा कद्दू, आधा घिया मीन्स लौकी, थोड़ी सी जो है गाजर, 1-2 बैंगन ऐसा सामान बचा हो ना, तो मतलब कि समझ लेना चाहिए कि घर में सांभर बनाने का दिन आ चुका है, ठीक है जी। सो अभी बन रहा है सांभर जल्दी जल्दी वाला, क्विक वाला, और ये मैंने भिगो दी है अभी थोड़ी सी इमली, और कड़ी पत्ता तो मॉर्निंग में ले आई थी क्योंकि पोहा भी बनाना था। सो क्विक वाला बनेगा सांभर और साथ में राइस, तो सामान तो आपने देख ही लिया जितना है, सो उसको यूज़ करके क्विक वाला सांभर और राइस, और साथ साथ में जल्दी जल्दी बनेगा ये, और तब तक जो है वो आदित्य भी आ जाएगा।
सब्जियां और दाल जो है वो अब बॉयल हो रही है। बाय द टाइम इधर मैंने राइस डाल दिए भिगोने और सांभर के तड़के का सामान रख लिया है, जो सूखी लाल मिर्च तो काफ़ी ज़रूरी है, और जो है इमली का पानी और इमली का जो था ना पोर्शन वो अलग कर लिया है और सारा सामान रख लिया है। फटाफट से लगेगा तड़का। टमाटर जो है पक चुके हैं, बाकी सारा भी सब सामान इसके लिए पक चुका है, तो अब सिर्फ सांभर मसाला थोड़ा सा और साथ में जाएगी इमली और हमारा जो है सांभर रेडी। पसीना कैसे पड़ रहा है, गर्मी कितनी तेज वाली हो रही है इस टाइम। खाना रेडी है, जल्दी से आ जाइए, सारे लंच करते हैं पहले। तो शाम के 7 बज गए हैं और तेज़ इतनी वाली जो है ना वो गर्मी है ना, और मोर ओवर लाइट भी जा रही है लगातार, दो दो घंटे भी कभी बीच में लाइट नहीं आ रही है। सो आज काफ़ी जो है वो ऐसा कट लगा, सो काफ़ी गर्मी फील हो रही है इस टाइम। 7 बजे शाम के, तो थोड़ा डिनर वगैरह के लिए मैं अभी जा रही थी प्रिपरेशन करने, सो सोचा आपसे 2 मिनट बात कर लेते हैं, व्लॉग को एंड कर लेते हैं। सो दिन में तो थोड़ा सा ही हुआ, ज़्यादा हुआ नहीं। उसके बाद थोड़ी बहुत शाम को रेस्ट वेस्ट की, बच्चों को खेलने के लिए छोड़ा, सनसेट का सीन आपने देखा है जो बीच में कैप्चर किया था अमूल्य ने, ब्यूटीफुल सा सनसेट था। सो अभी श्रेया ने अपने दोनों भैया को, आदित्य अमूल्य को, जो राखी भेजी है वो दिखा देती हूँ आपको फटाफट से। और अदरवाइज़ राखी तो भी परसों को है, मीन्स लाइक 11th को सेलिब्रेट करेंगे या 12th को सेलिब्रेट करने अभी कुछ श्योर नहीं है, सो देखते हैं। तो राखी तो उसने टाइमली जो भेज दी है, तो चलो उसको देख लेते हैं और फटाफट से व्लॉग को एंड करते हैं, क्योंकि शाम का जो है टाइम हो गया है खाना बनाने का। हल्की फुल्की कुछ सब्जी बनाएंगे, थोड़ा सा सांभर है और बस हमारा चल जाएगा गुजारा रात का। सो थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल फॉर वॉचिंग द व्लॉग। सो बने रहिए, देखते रहिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।